बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, माय यूट्यूब चैनल सभ्या विद कुकिंग, सभ्या पे मैं कुकिंग करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे अपनी बिरयानी। उस पहले हमने बनाई थी 1 किलो की बिरयानी, आज हम बनाएंगे अपनी 3 किलो की बिरयानी। तो चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी बिरयानी बनाना। हैदराबादी बड़े मज़ेदार से हम बिरयानी बनाना आपको दिखाएँगे। चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी बिरयानी बनाना। ये देखिए व्यूवर्स, 3 किलो हमने चावल ले लिए। चावल हमारे बनस्पति अच्छे वाले चावल हैं, 150 रुपये किलो हैं। और 3 ही किलो हमने अपनी ले ली है चिकन, हमने इसको धो ली थी बहुत अच्छी तरीके से। 1.5 किलो हमने ले लिए अपने टमाटर, 1 पाव के करीब ले लिए हमने अपने लहसुन अदरक, 1.5 पाव ले लिए हमने अपनी दही, 1 किलो ले ली हमने अपनी प्याज, और ये हमारे मसाले, 2 चम्मच हमने ले ली रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच ले ली हमने नमक, 1 चम्मच ले ली हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच ले ली हमने पिसा हुआ गरम मसाला, और ये साबुत गरम मसाले ले लिए हमने 2 चम्मच समझ लें आप, और ये ले लिया हमने ज़ीरा ये हमने मंगाए थे आलू बुखारे 100 रुपये के, 4 से 5 अदद हमारे हैं ये तेज़पत्ता। और व्यूअर्स, ये हमारा हम मसाले के 2 पैकेट है जिसमें बिरयानी में जाएंगे, बिरयानी मसाले के 2 पैकेट हैं नेशनल के। और 1 गट्ठी हमने ले लिए हरे धनिए की, 1 मुट्ठी हमने गट्ठी पूरी ले लिए पुदीने की, और 15 है हमारी ये वाली मिर्चें छोटी वाली, और 3 अदद हमने ये नींबू काट लिए स्लाइस में। तो चलिए व्यूअर्स, हम आपको दिखाते हैं अपनी चिकन बिरयानी। उस दिन हमने बनाई थी 1 किलो की, आज हम बना रहे हैं 3 किलो की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो आप, मैं चैनल पे नई हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मैं अपनी ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने ये कुकिंग का चैनल खोला है। मैं अपनी अम्मी के घर कभी कुकिंग करती हूँ, कभी मैं अपने ससुराल में करती हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करें, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, एक बटन ही तो दबाना होता है, बस एक बटन दबा दिया करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो व्यूअर्स, हम आपको दिखाते हैं हम अपनी रेसिपी, आपको उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। आप मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपनी चढ़ा ली है पतीली चूल्हे पर। हम इसमें 3 कप हम इसमें डालेंगे ऑयल। अपनी प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, आधी निकाल लेंगे हम उसके लिए ऊपर तह के लिए, और आधी इसी में ही हम पकाएंगे। अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने ऑयल डाल दिया है, हमने 3 कप ऑयल डाला है अपने 3 किलो बिरयानी में। 1 किलो हम डाल रहे हैं अपनी प्याज, ये देखिए हम ऐड कर देते हैं अपनी प्याज। हमने ऐड कर दी अपनी प्याज, अब हम इसे करेंगे गोल्डन ब्राउन। फिर दिखाते हैं इसको हम गोल्डन ब्राउन करके, अभी अभी हमने डाली है इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज होने वाली है अभी गोल्डन ब्राउन, अभी हुई है कच्ची पक्की। और दूसरे हमने भगोना चढ़ा लिया है, इसमें हम अपना पानी बॉईल करेंगे चावलों के लिए। अभी हम इसमें पानी डाल रहे हैं, दिखाते हैं हम अभी आपको। ये देखिए व्यूअर्स, हमने पानी अपना रख दिया है चूल्हे पे बॉईल के लिए। ये प्याज हमारी हो रही है, अभी हुई नहीं है पूरी तरीके से, ये हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है, किचन हमारा छोटा है, जगह छोटी है, तो इसीलिए परेशानी हो रही है हमें चीज़ें रखने की। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज होने वाली है गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन हो जाती है फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आधी प्याज हमने अपनी निकाल ली है, ये इसको हम लगाएंगे तह में। अब डालते हैं हम अपना चिकन, दिखाते हैं हम अपना चिकन डाल के आपको, जो 1 2 3 किलो है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने चिकन ऐड कर दिया है अपना, और इसी को हम अपने लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे, दिखाते हैं हम अभी आपको। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी चिकन को अच्छी तरह मैट कर लिया है, मिला लिया है, अब हमारी चिकन होगी
ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। व्यूअर्स, हमने अपना 3 किलो चिकन भून लिया, अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भूनेंगे हम लहसुन अदरक के पेस्ट को। चिकन में इसे अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, 1.5 किलो हमारे टमाटर थे, इसको हमने गोलाई में कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है अच्छी तरह चिकन में। अब हम इसे ऐड करेंगे अपने मसाले में। फिर हम ऐड करेंगे अपने सारे स्पाइसेस बिरयानी के। किचन छोटा है हमारा, जगह कम है हमारे किचन में, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है पकाने में। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये बिरयानी मसाला जो हमने आपको दिखाया था, ये ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ऐड करेंगे हमने ये दूसरे स्पाइसेस, जीरा और बादियान का फूल। बादियान के फूल हम बताना भूल गए थे, ये हम अब दिखा रहे हैं आपको। इसमें ऐड करेंगे हमें 2-3 ये तेजपात, ये ऐड करेंगे। दही ऐड कर देंगे हम अपनी कुकरले पर। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा भून चुका है, भून रहा है अभी। हमारी दही ने पानी छोड़ा है टमाटर ने, तो फिर अभी हम दिखाते हैं हमारा मसाला होने लगा है तैयार। बहुत मज़ेदार हमारा कोरमा रेडी हो चुका है बिरयानी के लिए। अब हम अपने चावलों को बॉईल देंगे। आलू बुखारे ऐड कर दिए हमने, अब हम इसने स्लो अपनी फ्लेम अपनी हमने स्लो कर दी है। तो फिर दिखाते हैं हम आपको चावलों की तरफ, दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पानी बॉइल्ड हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने चावल, जो 3 किलो हमारे चावल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा किचन छोटा है, जगह नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है हमें। हमने अपने चावल ऐड कर दिए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपना चावल ऐड कर दिए हैं अपने पानी में। हमने इसमें नमक और तेज पत्ता डाल दिया था। अब हमारे चावल बॉयल होंगे, फिर हम अपनी तह लगाएंगे अपनी बिरयानी में। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपना पानी कर लिया है, ड्रेन कर रहे हैं हम अपना पानी। हमारे चावल में बॉयल्ड आ चुका है, तो फिर हम अभी आपको दिखाते हैं जब हम तेल लगाएंगे। हमारे बड़े अच्छे से चावल हमारे खिले खिले बॉइल्ड हुए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने चावल करके ड्रेन करके इनका चावलों का पानी, अब हमने चावल की तेल लगा के फिर हमने ऑयल डाला है इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे अपने सालन की तेल। कोरमा हमारा बड़ा मज़ेदार सा खूबसूरत सा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे अपने चावलों की तह। बड़ी मज़ेदार से हमारी बिरयानी तैयार हो रही है। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी प्याज की तह। बड़ी करारी सी हमारी प्याज हो गई है, बहुत खूबसूरत सी, आप देख सकते हैं इसका कलर बड़ा अच्छा सा आया है। इसमें लगाएंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया, और ये टमाटर की लेयर लगाएंगे, और नींबू की लेयर लगाएंगे इसमें हम, लेमन की, ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह हम दिखाते हैं अपनी सारी तह बना के आप। तो ऐड करेंगे अपने जर्दे का रंग ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा भी ऐड और करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना केवड़ा एसेंस। ये हम ऐड करेंगे अपना केवड़ा एसेंस 1-2 कतरे खुशबू के लिए। बस केवड़ा इतना ही जाएगा हमारा। फिर हम इसमें लगाएंगे लेयर अपनी प्याज की लेयर लगाएंगे फिर हम इसमें अपनी। ये हमने बनाई है 3 किलो की बिरयानी, उस दिन हमने बनाई थी अपनी 1 किलो की बिरयानी।
ज़रूर आपको पसंद आएगी हमारी ये बिरयानी। माशाल्लाह से जगह कम है हमारे किचन में। अब लेयर जाएगी हमारे चावलों की, लेयर जाएगी इसमें, ये आखिरी लेयर है हमारी। हमारा चावल बहुत अच्छे वाले हमारे चावल हैं माशाल्लाह से। इसमें हम डाल देंगे अपनी प्याज, प्याज बड़ी अच्छी हमारी क्रिस्मी सी हो रही है माशाल्लाह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमारा थोड़ा सा जर्दी का रंग रह गया था, इसको ऐड करेंगे हम। चलिए व्यूअर्स, अब हम दिखाते हैं अभी इसको दम पे रख के। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब हम अभी आपको दिखाते हैं सर्व करके। ये देखें व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर्स, हमारी बड़ी खूबसूरत सी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप देख रहे होंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी आपको हमारी ये देगी बिरयानी। बनाई हमने पतीले में है देगी बिरयानी, ये बहुत मज़ेदार बनती है ये। इसको हैदराबादी बिरयानी कहते हैं, हमने देग में बनाई है इसको, इसका नाम है हैदराबादी बिरयानी। और आप भी ज़रूर बनाएं, मज़े करें, करवाएं, पकाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये बिरयानी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 3 किलो गोश्त था, हमारा 3 किलो चावल थे, हमारी 6 किलो की बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हैदराबादी बिरयानी कहते हैं, ये देग में बनती है, हमने इसको बनाई है बड़े पतीली में, देग हमारे पास नहीं थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कस्टर्ड की रेसिपी। आज मेरे भाई की सालगिरह थी तो ये मैंने खुद बनाई है देग की बिरयानी, तो हम अभी आपके साथ सालगिरह भी शेयर करेंगे। तो चले दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा, चले दुआओं में याद रखिएगा, हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलिएगा। हम दिखाएंगे अपनी सालगिरह भी और कस्टर्ड भी दिखाएंगे। तो चले अल्लाह हाफिज़।